अरे जब वो लोग चिल्ला तो मैं 400 पार, अरे 40 पार अब की करे में तो लोग के जोर हो जाएंगे। ये जिनका वोट कम है यही रोड पर चिल्लाते हैं कि 400 पार तो 300 पार, अरे पार तो हम हन कर अब हाथी करी। हमारा नाम हुआ मुन्ना राजभर। अच्छा, अरे राजभर जी वहाँ पहुँच गए, आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव कहाँ पहुँच गए? अरे मंत्रिमंडल में पहुँच गए, भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल हो गए ना तो का हो गया लोग में? ये घसीट दे देना घोसी का चौंक गई ना भाजपा में तो कहा जो है कि पूरा उत्तर प्रदेश का मलिकार हो गई ना। अब बताइए कि एक सीट घोसी में दे दिए और एक घसीट दे के पूरे उत्तर प्रदेश का वोट बटोर लीजिए तो कितना नहीं बढ़िया हुआ। ये तो है ना, ऐसा हो सकता है? अच्छा, मतलब राजभर समाज नहीं जाएगा उनके? मैंने घोसिया का देख लीजिए, घोसी का आप देखिए कि घोसी में घोसी की जनता जो है कि वहाँ वहाँ के लोकल प्रत्याशी को वोट कर रही है ना। अब वहाँ के लोकल प्रत्याशी को वोट कर रही है और यहाँ जो है ना कि अब एक सीट तब राजभर जी के मिल गया तो जो है ना कि एक सीट मिल गया तब सोचा था कि एक सीट दे के पूरे उत्तर प्रदेश के राजभरन को वोट ले लें तो कैसे हो पाई। अब वहाँ से घोसी से यही यहाँ हम आने का विकास करा, आजमगढ़ की अलग बात है और घोसी की अलग बात है। ऐसा नहीं हो सकता है कि घोसी में जो है कि रहें और आजमगढ़ की जो है कि बात करें, यह सब सबको मालूम है इस बात की। हाँ, और यहाँ पे जो है कि सबसे ज़्यादा वोट धर्मेंद्र जी को मिलेगा। धर्मेंद्र जी को? आइए थोड़ा सा और कुछ लोगों से जान लेते हैं, इधर इधर आ जाइए। कहा हो चाचा, क्या माहौल है? क्या नाम पड़ेगा, क्या माहौल है यहाँ? यहाँ हाथी जीत रहा है। हाथी? हाँ। अच्छा, दोनों सीट पर, दोनों सीट। हाँ अच्छा, क्या कहा था? हीरो भैया जीता था बहुमत पूरा। हीरो? हाँ, अब किस 400 पार। 400 पार एकदम, 400 एकदम पार। पर्चा दाखिला हम लोग गए थे वहाँ, बहुत ज्यादा जनसंख्या में यादव बिरादरी हमारे भाई लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। आप क्या हैं? मैं प्रमोद यादव। यादव जी हैं? ये एकदम यादव जी। अरे यादव जी धर्मेंद्र नहीं ना? नहीं, धर्मेंद्र जी नहीं, बाहरी लोग एकदम नहीं। आजमगढ़ कब तक समाजवादी? वो तो बाहरी है ना वो? नहीं, वो बगल के, वो चुनाव हारे चाहे जीते आजमगढ़ में दिखाई देते हैं। चुनाव जीतने के बाद इटावा मैनपुर कौन जाएगा खोजने? गाजीपुर के जाएंगे? नहीं, वो बने रहते हैं। गाजीपुर कौन जाएगा? समाजवादी यादव वाली बात हुई, पार्टी को और यादव चेहरे हैं। जब भी अगर पार्टी में टिकट बटा हुआ है समाजवादी का तो खाली 5 यादव उनके परिवार से लड़ रहे हैं और बाहरी यादव बताइए, और यादव कोई नहीं है। यादव को प्रधानमंत्री बनाना है तो यादव को एमपी क्यों बनाएंगे भाई? और बिरादरी नहीं वोट करेगी? जैसे सपा खाली उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी कहा जाएंगे? मतलब जैसे यादव और बिरादरी वोट नहीं देंगे? 400 पार ना, 40 पार करे में जी करे हाथी। हाथी? हाथी। हम लोगों का वोट नहीं बोलता है, ये जिनका वोट कम है यही रोड पर चिल्लाते हैं कि 400 पार 300 पार, अरे पार तो हम हन कर अब हाथी करी। दोनों सिटी आप लालोगंज तो बहन जी अकेला लड़ा था तो कैसे यहाँ के बड़े बड़े गठबंधन बनल? अच्छा, तो बहन जी के पास ताकत है तब अकेला लड़ती। कमजोर आदमी जोर खोजेला, जे कमजोर है वो न केहू के खोजी। हम मान के ताकत के मान अकेला लड़ नहीं। हाँ, अकेले जमाई भे मान, अकेले अकेले अकेला मान पार कर। हथिया दिल्ली जाई? हाँ बिल्कुल जाई। अरे जब वो लोग चिल्ला तो मैं 400 पार, अरे 40 पार अब की करे में तो लोग के जोर हो जाएंगे। जब 40 400 पार करे थवा, 40 पाल्टी लेके
तो चिल्ला का होगा उत्तराखंड मैदान में आ गए तो पता देवल जाये कि 400 पार करे तो आके 40 बदल देना तब का करवा तो कुल फाना पर उन्हन के नेतन के पाकिट में ईवीएम लौकैले बहरे 20 खटिया डाल के आदमी है गोरेला कि दुअरिया से हमार चोरी न हो जा पड़ोहवा में सेन काट के लेके भाग जा तो ओकर का मतलब डकैतन का कौन बात हाँ तो डकैती के बल पर मत कूदा वो 400 पार ना अब के 40 पार कर लिया मोदी या जोगी तक देखा वो मान लो। अरे आप लोग भी कुछ बता दीजिए क्या लग रहा है हमन के संति अकेले बोल रहे हैं बोलाओ और मतलब क्या है क्या लग रहा है सदर से हम लोग जीत रहे हैं आधी चुनाव जीत रही है बड़े पैमाने से 1,00,000 वोटों से सदर से हम लोग जीत रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है अरे दो अभी एक बार प्रत्याशी बदल नहीं ऐसा नहीं है सदर में यहाँ का कोई प्रत्याशी नहीं जो लोकल लड़ाया जा सकता है हमारी जो साहिबा है वो लोकल है यहाँ की रहने वाली है हमारे दुख सुख में साथ देने वाली है 1,00,000 वोटों से हम लोग जिताएंगे एकदम 101%। चलिए इस समय मैं जहानागंज में था और जहानागंज में लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहा था अब देखने वाली बात होगी कि अब जो है कौन जीत के आता है किसके सर यहाँ का ताज होता है इस आजमगढ़ लोकसभा सदर लोकसभा का तब तक के लिए देखते रहिए।